अरे आज ये फिल्म का मुहूर्त है और आप इस फिल्म में कैसे जुड़े हुए? मैं तो भैया आज एक गेस्ट आया हूँ और खेसारी भाई मेरे छोटे भाई हैं और उनके ऑफिस से फ़ोन आया कि हेरा फेरी का आज मुहूर्त हो रहा है, शुभकामना देने आया हूँ इस फिल्म से। आगे क्या होगा पता नहीं, और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं पोस्टर देख करके हेरा फेरी लग रहा है। जी बहुत किया है, जैसे कुछ याद है बाप के जेब से पैसे चुराए हैं और एक एक साथ दो दो गर्लफ्रेंड घुमाई है, यही से मेरा फिर किया है। खेसारी जी के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? हरफन मौला एक्टर हैं खेसारी भाई, तो बहुत अच्छी अभिनेता हैं, बहुत स्टाइल एक्टर हैं, हर तरह का किरदार करते हैं। लग रहा है डबल रोल होगा इसमें देख करके, ऐसा बहुत ज़्यादा वो पांडे का हीरो है, दो हीरोइन है, तो हीरो ही होगा। फिल्म का टाइटल है हेरा फेर, लग रहा कुछ कॉमेडी है? कॉमेडी भी है डेफिनेटली। तो आपको नहीं लगता है आपके बगैर कमी कुछ लगे? अब देखिए पता नहीं प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के दिमाग में क्या आता है, बताना नहीं चाहते आप? नहीं मुझे तो पता नहीं, मुझे कुछ ऐसा बोला ही नहीं गया है। अच्छा। मुझे बुलाया गया शुभकामना देने के लिए, मैं छोटे भाई को शुभकामना देने आया हूँ। अभी दिवाली और छठ आने वाला, कुछ कहना चाहेंगे? जी छठ और दीपावली दोनों पर अपने समस्त दर्शकों को यूपी बिहार और पूरे हिंदुस्तान चैनल के माध्यम से पूरे विश्व में लोग देख रहे हैं सबके भैया हाथ जोड़ के छठ और दीपावली के ढेर सारी शुभकामना। छठ मैया आप लोगों के धन धान्य से पूरित करें, दीपावली आप लोगों का बहुत खुशहाल बीते, यही मनोज टाइगर और बंटासा चाचा का आप लोगों के लिए शुभकामना। अभी आपकी कुछ फिल्में रिलीज हुई, उस बारे में बताना चाहेंगे? हाँ चंपारण रिलीज हुई खेसारी के साथ, बहुत अच्छी जा रही है और बहुत तारीफ हो रही है सिनेमा की। खेसारी भाई दास जी वहीं से लौट कर आए हैं प्रमोशन से। और दूसरी फिल्म एक रिलीज हुई हमारी, इसमें भी था लुटेरे, वो भी ठीक जा रही है। और कुछ दिवाली पे धमाका कर रहे हैं? दीपावली में धमाका तो अभी नहीं है, शूटिंग में ही बीतेगी और शो है उसमें, और लेकिन शाम को आ जाएंगे घर में पटाखे उठा के छोड़ेंगे, दीपक उपक जलाएंगे। हरेक साल फैमिली साथ दिवाली मनाते हैं? नहीं दो तीन साल से नहीं मना पाया, इस बार मनाऊंगा। हमने प्रोड्यूसर डायरेक्टर एक्टर सभी के साथ है कि जिस तरह से हिंदी में हेरा फेरी बहुत बड़ी हिट हुई थी, भोजपुरी में भी हिट होनी चाहिए। सर दिवाली आने वाली है, कुछ शुभकामनाएं देंगे अपने दर्शकों? दिवाली और छठ के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं दीपक भाटिया आप सब के लिए भगवान से प्रार्थना करूंगा कि ये दिवाली और ये छठ मैया जो छठ पूजा आ रही है सबके लिए अच्छी रहे, सेफ रहे और सब छठ मैया अपना आशीर्वाद। क्या कहना चाहेंगे फिल्म हेरा फेरी का मुहूर्त है, क्या कुछ शुभकामनाएं देना चाहेंगे? सबसे पहले बोलूँगी नमस्ते, और जैसे कि आप देख रहे हैं खेसारी जी का नया फिल्म का मुहूर्त हुआ है, मैं अपने तरफ से बेस्ट विशेस दूंगी और ये एक्सपेक्ट करूंगी कि इस मूवी में मैं भी काम करूंगी। दिवाली आने वाली है, शुभकामनाएं। मोबाइल नीचे रख। हाँ मैं सबको यही बोलूंगी, विश यू मैनी 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 हैप्पी दिवाली, अच्छे से दिया जलाइए, अच्छे से पूजा पाठ कीजिए और बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कीजिए। थैंक यू सो मच। मुहूर्त है, आप
आपकी प्यारी खेसारी जी का फिल्म का मुहूर्त है? एक्चुअली खेसारी जी को मैं जानता हूँ, खेसारी जी के साथ ही काम, लेकिन उधर आके पूछना तो तेरे भी देख के रहा, सॉरी। मैं मुहूर्त में ही आया हूँ, मैं डायरेक्टर प्रोड्यूसर को जानता नहीं, लेकिन खेसारी जी के साथ बहुत काम कर रहा हूँ, तो आई थिंक सभी नए होते खेसारी जी मिलाएंगे, फिर उनसे भी मिल लेंगे आगे। और क्या कुछ मतलब तैयारियां की हैं आपने, कुछ सरप्राइज देने की तैयारियां की आज के साथ? सरप्राइज तो जो आ रहे हैं वो लोग देंगे, हम लोग क्या सरप्राइज देंगे, हम लोग स्क्रीन पे सरप्राइज देते हैं। अच्छा, दिवाली आने वाली है, छठ आने वाली है, क्या चाहिए, कुछ शुभकामनाएं? अगर दिवाली और छठ की रिकी गुप्ता की तरफ से भोजपुरी के दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं, पटाखे कम फोड़े, दूर से फोड़े, सेफ रहें, थैंक यू। सर क्या कहोगे, आज मुहूर्त है और आप इस फिल्म को क्या शुभकामनाएं? सबसे पहले नमस्कार, राज यादव सारी भाई हमारे बड़े भाई हैं, और आपकी फिल्म के लिए हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, चाहते हैं जो पाकिस्तानी फिल्में आ रही हैं, बहुत अच्छी फिल्में आ रही है, और ये भी फिल्म जो है बहुत अच्छी हिट हो, बहुत अच्छा नाम कमाए, बहुत अच्छी सुपर। और आपका कोई प्रोजेक्ट चल रहा है? हाँ, मेरी भी फिल्म आ रही है, कहर आ रही है, नेक्स्ट मंथ रिलीज है, बाकी दो फिल्म, एक दो प्रोजेक्ट और मेरे हाथ में, एक एक फिल्म नेक्स्ट मंथ से करने जा रहा हूँ। थैंक यू। हाँ, मैं हेरा फेरी की पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगी, और खेसारी जी के साथ तो लगभग मुझे लगता है कि मैं सबसे ज़्यादा मदर का रोल प्ले की हूँ, और खेसारी जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगी। अभी भी उनका जिला चंपारण बहुत ही अच्छी जा रही है, तो इसके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगी। दिवाली और छठ आने वाली है, तो उसके लिए भी क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे? हाँ, मेरे सारे ऑडियंस को दिवाली और छठ के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और दिवाली बहुत सेफ और अच्छे से मनाइए, बहुत ज़्यादा ये आग और बम बंद कीजिए, सेफली दिवाली मनाइए। यही मार लो, यही मार लो, यही इंटरव्यू यही हो जावे। फिल्म के बारे में बताइए थोड़ा। जीवन में हेरा फेरी चल रही है यार, आप करेंगे इसीलिए हेरा फेरी अपने कैरेक्टर के हिसाब से ले लिए। बूम कौन पकड़ रहा है? अपने कैरेक्टर के हिसाब से, जब बचपन में हम लोग थे तो बस सरसों की चोरी करते थे और मकईयों को ही चुराते थे, सरसों और सो काटते थे, चुराते थे, मसूरिया से ये चुरा के काटते थे अपने भैंस को खिलाने के लिए। अब इस बार फिल्म में कर रहे हैं यही काम, लेकिन ये हेरा फेरी किस चीज के लिए हो रही है बाद में खुलेगा आप सबके बीच में, ये फिल्म रिलीज होगी तो शायद हम बता पाएंगे। नाम है हेरा फेरी, लाइक बहुत हेरा फेरी होने वाली है फिल्म में, और हमारी और एक एक्ट्रेस भी हमारे साथ, छोटी शर्मा जी, तो अभी वो थोड़ी देर से आएंगी। इसका लांगड़ा सर, ये हमारी फिल्म के डायरेक्टर हैं, आपका सर आपसे जानना चाहेंगे, आपके आपके जीवन में कभी ऐसा हेरा फेरी हुआ है जो अभी भी आपको याद आता हो? तुम दुखती पे हाथ क्यों रख रहे हैं? मेरे जीवन में बहुत ज्यादा हेरा फेरी हुआ है, एक भैंस पे बैठ कर आपने मैंने अपने जीवन को यहाँ तक पहुँचाया है, एक लिट्टी चोखा बेचने वाला आज यहाँ तक पहुँचा है, तो जीवन में कहीं ना कहीं हेरा फेरी हुई है, तभी मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ, और शायद मेहनत, और मेहनत से हेरा फेरी छुप जाता है, और मैंने जो स्ट्रगल किया है बहुत सारी, हेरा फेरी, लिट्टी बेचना, धागा कटिंग करना, भैंस चराना, दूध बेचना, उसके बाद हेरा फेरी करते करते हाथ में यहाँ तक पहुँचा है, और अंत में एक हेरा फेरी फिल्म मिली गई, और हमारे भाई नौशाद जी और हमारे भाई राहुल जी जो कि इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, सब लोग मिल के कर रहे हैं,
इस फिल्म का 50% पार्टनर मैं भी हूँ। सर जिस तरह से बॉलीवुड में हेरा फेरी आया है तो कुछ वैसा ही होगा कि कुछ अलग होगा, कॉमेडी कुछ किस तरह की फिल्म होगी? नहीं नहीं देखिए वो अलग जॉन की फिल्म थी, ये अलग जॉन की फिल्म है, नाम हेरा फेरी इसका है, लेकिन ये किस लिए हेरा फेरी हो रहा है, किसी के जीवन बचाने के लिए हेरा फेरी हो रहा है, तो किसके जीवन बचाने के लिए हो रहा है ये फिल्म आने के बाद ही बता पाएंगे हम आपको, पहले हम इस चीज़ को नहीं खोल सकते। सर छठ पूजा और दिवाली आ रहा है तो क्या, और मेरे तरफ से जितने भी इस चैनल को देखने वाले श्रोता हैं सबको मेरे तरफ से दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं, छठ पूजा की ढेर सारी बधाइयां, उधर पूछ की छठी माई सबके घर में आए और खुशहाल जिंदगी कटे और कोसी भर के और अपने जीवन को ऐसे ही चलाते रहिए जिस तरह के सारी अपने जीवन को चलाते हैं। और कुछ पूछना है? खेसारी जी दो हीरोइन है इसमें, आप एक साथ दो दिखने वाले लग रहे हैं। सर दो हीरोइनों के साथ ही कंफर्ट रहता हूं, मुद्दा क्या है जब उसमें एक्टिंग निखर के आती है, एक को जलन होती है तो एक मोहब्बत करती है, एक मोहब्बत करती है तो दूसरी को जलन होती है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डिफरेंट होने वाला है इसमें। और सुभी एक मेरी बहुत अच्छी मित्र हैं और काजल जी की भी बहुत अच्छी मित्र हैं, और काजल जी के साथ काफ़ी मेरी मूवी आई हैं, आ भी रही हैं, आने वाले भी हैं, तो और सुभी के साथ भी मेरी मूवी है काफ़ी, तो कोशिश हम करेंगे कि अपने चीज़ों को अच्छे करके दिखाएँ, अच्छा करें, और बाकी पब्लिक के हाथ में है कि हमें कितना पसंद करती है, हमें कितना चाहती है, और उनकी चाहत तो हमें हमेशा हर फिल्म में दिखती है। अभी मेरा जो जिला चंपारण रिलीज हुआ है, मैं बिहार से आज ही आया हूँ, अभी एयरपोर्ट से डायरेक्ट यहीं आया हूँ, तो बड़ा प्यार मिला मुझे बिहार में जाकर, जिला चंपारण के प्रमोशन किया, काफ़ी तादाद में लोग थे और काफ़ी पब्लिसिटी है उस फिल्म का और बड़े मौज से लोग सराह रहे उस फिल्म का, तो एक अच्छी मूवी बनाने का काम ये हेरा फेरी भी है। और जो मेरे रिलीज होने वाली फिल्म है जिसका नाम है मैं सेहरा बांध के आऊँगा, जो कि छठ पे रिलीज है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जिस तरह मेहदी की तारीफ हुई थी उसी तरह रजनीश मिश्रा जी जो मेरे बड़े भाई नहीं मेरे गुरु भी हैं, और अनंजय रघुराज, प्रदीप सिंह, सुनील का अनिल काबरा, तो सारे लोग मिल के इस फिल्म मूवी को बनाए हैं जिसका नाम है मैं सेहरा बांध के आऊँगा, तो काफ़ी अच्छी अभी तो मेरी करियर अच्छी चल रही है, काफ़ी अच्छे फिल्में मिल रहे हैं मुझे और सबका प्यार मुझे मिल रहा है, अच्छे प्रोडक्शन से सर हर चीज़ जा रही है, तो मैं अब अच्छी फिल्म ही करना चाहूँगा कि मेरे पब्लिक नाराज़ ना हो, मेरी पब्लिक दुखी ना हो, क्योंकि उनकी जीवन है तो ही मेरी जीवन है, मेरे जीवन से उनके जीवन नहीं है, उनके विश्वास में तो उनके विश्वास को तोड़ने का काम मैं आज की डेट में तो बिल्कुल नहीं करूँगा, मैं इसीलिए हर फिल्म पर कम से कम 6 से 7 महीना वर्क करके उसके बाद ही काम करता हूँ। फिल्म में डबल रोल है, डबल रोल के बारे में क्या? सुभी शर्मा जी की काजल जी के साथ एक और मुकद्दर फिल्म वाली क्या कहना चाहेंगे सर डबल रोल के बारे में? बहुत अच्छी मूवी है, मैंने कमाल की मूवी है, कम से कम बड़ी महंगी सुन रही है, कमाल के वसीम भाई हमारे जो हैं बड़े खर्चा बहुत किए हैं और गाने वाले बहुत, मैं बिहार में गया था तो काफ़ी गाने उसके चर्चे में थे, एक गाना उसका है कि राजा कई लबिया टूटा जाई बाबो खाइबा में हरि के हाथे तक ना जाई बाबो, बड़ा पॉपुलर गाना है वो, और स्टेट में बिहार गया था तो बहुत ज़्यादा बज रहा था वो, तो कहीं ना कहीं मुकद्दर बहुत एक अच्छी मूवी बनी है, और मेरे वसीम भाई जो मेरे भाई है प्रोड्यूसर नहीं मेरे लिए, और बड़ा प्यार दिया उन्होंने मूवी में, कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे मुझे तकलीफ हो। अपने डबल रोल के बारे में इस फिल्म में दो चेहरे दिख रहे हैं आपके, चेहरा तो हो सकता है रोल डबल रोल ले सकता है, तो हेरा फेरी है बात, समझते नहीं हो, ये तो हेरा फेरी है, कुछ और इधर कुछ और है। जी भोजपुरी में ऐसा कोई एक्टर है जो सबसे ज्यादा हेरा फेरी करता है या फिर ऐसा कोई शख्स जिसने आपके साथ हेरा फेरी कर दी हो? मैं खुद हूँ, मैं किसी को जिम्मेदार क्यों ठहरा हूँ, मेरे गाने का मतलब कि मैं अगर गलत हूँ तो पूरी दुनिया गलत है, अगर मैं अच्छा हूँ तो पूरी दुनिया अच्छी है, सब लोग बहुत अच्छे हैं। काजल जी आप खेसारी जी के साथ किस तरह हेरा फेरी करने वाली हैं? ये हम अभी नहीं बताएंगे आपको, ये जब हम शूट कर लेंगे उसके बाद जब हम म्यूजिक लॉन्च करेंगे तब हम बताएंगे, हम किस तरह से हेरा फेरी कर रहे हैं। किरदार की बात की जाए तो क्या कहना चाहेंगे आप? किरदार एक्चुअली जो है इसमें एक चोर है और चोर पे पूरी कहानी है, एक चोर और एक हंसाने वाला आदमी कैसे इमोशनल हो जाता है, वो पूरी जीवन एक किसी के लिए दे देता है, वो कोई लड़की नहीं होती, कोई ऐसा सख्त होता है जिसके लिए पूरी जीवन अपना कुर्बान कर देता है, जिसका खाने का ठीक नहीं हो अपने किसी और का घर चलाने के लिए पूरी जीवन चोरी करता है, तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं इस फिल्म में कि बहुत इमोशनल है और हम लोग की एक जीवन पे हर उस इंसान के जीवन पर आधारित है। जी दिवाली के दिवाली की शुभकामनाएं, कहां मनाने वाले हैं दिवाली? दिवाली दिवाली तो घर ही मनाएंगे, कहां मनाते हैं दिवाली फैमिली? अगला ऐसा सवाल काय करते हैं? हम दिवाली फैमिली के साथ ही मनाते हैं दिवाली, कोई हनीमून थोड़ी है जो हम नहीं मनाने कहीं और जाएंगे, दिवाली तो दिवाली होती है।
दिवाली तो दिवाली होती है और एक घर परिवार की पूजा है, पूरी फैमिली के साथ इंसान मनाता है, और दिवाली थोड़ी है जब मनाली में मनाएंगे। मेरे सारे दर्शकों को, मेरे सारे फैंस को, फ्रेंड्स को, सभी लोगों को मेरी तरफ से दिवाली के लिए सारी शुभकामनाएं और छठ की भी ढेर सारी शुभकामनाएं, और भगवान हमेशा के साथ रहे। विश यू अ हैप्पी दिवाली एंड सेफ दिवाली। और हमारे हम लोग नौशाद सर के साथ फर्स्ट टाइम फिल्म करने जा रहे हैं और आई होप कि बहुत मजा आएगा काम करके। कुछ पूछना चाहते हैं मैं चाहते हैं आप इस फिल्म के बारे में खेसारी लाल को कास्ट करने के पीछे कोई खास वजह? वजह तो यही है कि हमारे बड़े भाई हैं, ये पिक्चर हमारी नहीं है, खेसारी भैया की पिक्चर है, ये हम नहीं बना रहे, ये नहीं बना रहे, आपके फोटो चक्कर हमारा नहीं होने वाला है भाई। हुआ इधर का सुनो क्या बोल रहे हैं, जैसे भी मैं सुन रहा हूँ फिर सवाल करो जी, बताइए बताइए, सुन रहा हूँ। ये मेरी मूवी है और मैं इनका बड़ा भाई हूँ, आपको पूछना है। शुरू हो रही है, कब तक फ्लोर पे जा रही है? अभी चल रहा है, अभी काम चल रहा है, जैसे हमारा म्यूजिक बन जाएगा, जैसे हमारी कहानी पूरी हो जाएगी तो हम लोग इसका अनाउंस करेंगे, और लोग फिर अनाउंस नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट शूट करेंगे। प्रोड्यूसर साहब, बहुत सारे एक्टर्स हैं, बड़े बड़े एक्टर्स हैं, बड़े बड़े बनाते रहते हैं, ये सारे लोग चुनने के लिए आप बता रहे थे जी, कोई फिल्म देखने के लिए आप बता रहे थे, क्यों जाकर लेते हैं? नहीं मैं बताता हूँ क्या एक वजह है, उनसे दिल बहुत ज़्यादा मिलता है, और सबसे बड़ी बात है ये हमारे बड़े भाई हैं, और हमें इनके साथ ही पिक्चर बनानी थी, हमें किसी और के साथ बनानी नहीं थी। इस पिक्चर बनाने के पीछे सबसे बड़ा हाथ बुलबुल भैया का भी है, और वे बुलबुल भैया कहाँ है, प्लीज स्टेज पे आइए। बुलबुल भैया गांव के हैं, उनका बहुत बड़ा हाथ है इस पिक्चर को बनवाने में, और सबसे बड़ी बात खेसारी भैया हम लोग के बड़े भाई हैं, ये पिक्चर हमारी नहीं, ये खेसारी भैया की पिक्चर, बुलबुल भैया की पिक्चर है, जिसके लिए आज हम लोग यहाँ खड़े हैं। राहुल जी, काजल मेघवानी जी के बारे में कुछ कहना चाहेंगे, कैसी लगती है आपको? अच्छी लगती है, सबको अच्छी लगती है, सुपरस्टार है, हमको क्या, सबको अच्छी लगती है, टाइटल के हिसाब से हेरा फेरी न करें, बहुत ईमानदारी के साथ में रिलीज कर जाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और खेसारी जी और काजल, काजल तो वैसे हमारी कंपनी की प्रोडक्ट है, पहली फिल्म हमारे साथ ही किया उन्होंने, और हम खेसारी जी के साथ में 3-4 फिल्म एज प्रोड्यूसर एज प्रेजेंटर लगभग 1 दर्जन फिल्में कर चुका हूँ, और ये मन बना के बैठा था, ये आज लेट आए हैं कि आज 5 फिल्म की साइनिंग दूंगा, और गाड़ी में चेकबुक है, आप बोले तो मैं आज ही साइन कर लेता हूँ, तो वैसे भी नहीं बोलता, सवाल के लिए मैं मशहूर हूँ, जो बोल दिया सो बोल दिया, एक बार और मेरे तरफ बहुत बहुत बधाई हो हेरा फेरी की पूरी टीम को, मुझे पता नहीं कौन कौन है, बहुत अच्छा है, जितने मेरे अमाउंट है ना सब आज ही एक ही साथ दे रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, और दूसरा बात क्या है, जितना देने के बाद में वो बिल्डिंग फंड में ले लेंगे। थैंक यू दादा, थैंक यू।